भाजपा छोड़ दी है, क्या कहना है आपका? आप सबको मालूम है मैं पिछले 30-35 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, क्योंकि पिछले 3.5 साल में जो सरकार रही और मैंने ये देखा कि अपन बहुत नज़दीक के कार्यकर्ता जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, यदि उनका काम कहीं अड़ जाए तो बिना पैसे दिए वो काम हो नहीं रहे। भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन गोटू ने दिया भाजपा के सदस्यता से इस्तीफा। चरम पर है भाजपा में भ्रष्टाचार, लोगों की नहीं होती थी सुनवाई, अभी पार्टी में जाना तय नहीं। गोलू बोले कि सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद करेंगे निर्णय कि किस पार्टी में जाना है। कांग्रेस में जाने को लेकर सवाल पर कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, जल्द लेंगे पार्टी में जाने का निर्णय, फिलहाल पार्टी फाइनल नहीं। कोलारा से चुनाव लड़ने पर बोले कि जिस पार्टी में जाएंगे और पार्टी जहां से चुनाव लड़ेगी उस विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। शिवपुरी से लड़ने को लेकर बोले कि पार्टी चाहेगी तो जरूर लड़ेंगे शिवपुरी से विधानसभा चुनाव। भाजपा छोड़ दी है, क्या कहना है आपका? आप सबको मालूम है मैं पिछले 30-35 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, क्योंकि पिछले 3.5 साल में जो सरकार रही और मैंने ये देखा कि अपन बहुत नज़दीक के कार्यकर्ता जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, यदि उनका काम कहीं अड़ जाए तो बिना पैसे दिए वो काम हो नहीं रहे। तो इससे मैं लगातार, जब लोगों की आप सेवा कर ही नहीं सकते, यदि पैसा दे के ही काम कराना है तो फिर हमारा राजनीति में होने का क्या उद्देश्य है? कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी और इस मुद्दे को मैंने लगातार भोपाल में पार्टी फोरम पे इसको उठाया भी है मैं। अच्छा, आप कोलारस में लगातार सक्रिय देखे जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आप कोलारस से चुनाव लड़ने वाले हैं? कोलारस मेरी जन्म और कर्मभूमि दोनों रही हैं। निश्चित रूप से मैं जिला पंचायत का सदस्य भी कोलारस से लड़ा था और कोलारस की जनता ने जो मुझे प्यार इसने दिया, इससे मैं सदस्य के रूप में बना, उसके बाद जिला पंचायत का अध्यक्ष। तो कोलारस में लगातार मैं सक्रिय रहता हूं और शिवपुरी में भी मैं 12 महीना, आपने जितने भी सामाजिक कार्यक्रम जहां भी लोग बुलाते हैं, चाहे 100 को या 2 को, मैं हमेशा उनके बीच में रहता हूं। अच्छा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, क्या माना जाए? मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, हम सब लोग आज इस्तीफा दिया है पहले, अब सब लोग कार्यकर्ता हमारे बैठेंगे, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो मेरे दोस्त यार हैं, सब बैठ के तय करेंगे। निश्चित रूप से बहुत जल्दी जो भी निर्णय होगा आपको बताएंगे। अच्छा, कोलारस में आपकी कर्मभूमि है जैसा आपने बताया, और आप चूँकि शिवपुरी में निवास करते हैं, तो अगर कहीं जहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या आप कोलारस के साथ साथ शिवपुरी की ओर भी देख रहे हैं? पार्टी जहाँ से भी चुनाव लड़ाई है, जिस पार्टी को मैं ज्वाइन करूँगा वो सब लोग बैठ के करेंगे। जैसे आपका विचार क्या आपकी पार्टी? अब ये तो सब मेरा अकेला विचार होता तो मैं अभी निर्णय आपको बता ही देता, क्योंकि सबके बीच में बैठ के क्या होगा, ऐसा नहीं है, ये सब विचार होगा और